जहां पना हमें भी नींद आ रही है। हमें भी से आपका क्या मतलब है? हमें भी मतलब क्या? आपको नींद आ रही है तो आ रही होगी यहां पर, और किसको नींद आ रही है? किसी को नींद आ रही है? आपको आ रही है? यहां पर किसी और को नींद आ रही है? किसी को? जहां पना की जय हो। आइए आइए बलदेव, आइए। और आगे आओ। ऐसा कहते हैं जब कोई आता है तो कहते हैं कि आइए फलाना, आइए ढिमकाना, ऐसा कहना पड़ता है। आप तशरीफ रखिए। आज हम तशरीफ रखने नहीं आए, तो उठाने आए। तशरीफ नहीं जापना, जिम्मेदारी। कैसी जिम्मेदारी? जापना, हमें पत्थर के ये बड़े बड़े गोले बनवाने हैं। अरे अरे, बनवाइए, जरा दो बनवाइएगा, एक इसके लिए एक इसके लिए। जापना, हमारे गुप्तचर ने यह सूचना दी है कि पड़ोसी देश ने अपने शस्त्रों में पत्थर के बड़े बड़े गोले शामिल किए हैं। ओ हो बलदेव, अगर ये बात सच है कि हमारे पड़ोसी देश ने अपने शस्त्रों में बड़े बड़े पत्थर शामिल किए हैं, तो हमें भी अपने लिए बड़े बड़े पत्थर बनवा लेने चाहिए। क्यों बीरबल? जापना, माफी चाहेंगे, पर दुश्मन देश ने पत्थर के गोले क्यों तैयार किए हैं ये उन्हें पता है। हम पत्थर के गोले क्यों तैयार कर रहे हैं ये हमें भी पता होना चाहिए। बीरबल, क्या इतना काफी नहीं है कि हमारे दुश्मनों के पास जो हथियार हैं वही हथियार हमारे पास भी होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि उनसे बेहतर हथियार हमारे पास होने चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है जापना के नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। यूं ही आंख बंद करके किसी की नकल करना सही बात नहीं। बीरबल, आप जो ये बात कह रहे हैं इसको आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकते हैं जापन, पर उसके लिए वजीर आजम बलदेव जी को हमारे साथ तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा। हम तैयार हैं हुजूर आला। बीरबल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है हमारे पूरे हिंदुस्तान में बलदेव से बेहतर तलवारबाजी कोई नहीं कर सकता। तलवारबाजी में बलदेव को कोई नहीं हरा सकता। जापना, हम जानते हैं कि हमारे पूरे राज्य में बलदेव जी को कोई भी तलवारबाजी के मुकाबले में नहीं हरा सकता, पर हम आपसे यकीन से कह सकते हैं कि हमसे मुकाबला करने से पहले बलदेव जी मैदान छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। जापना, आप मुकाबले की घोषणा कीजिए। तो ठीक है, एक हफ्ते बाद वजीर आजम बलदेव और बीरबल के बीच होगा तलवारबाजी का मुकाबला। क्या आप वजीर आला के साथ तलवारबाजी का मुकाबला करने जा रहे हैं? सही सुना है आप। अरे छोड़िए, ये तलवारबाजी का मुकाबला छोड़िए। आप जानते हैं वजीरे आला तलवारबाजी में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम श्रृंगार करना छोड़ देंगे। बस बस, आप जानते हैं एक औरत के लिए श्रृंगार छोड़ना जान देने से भी बड़ा त्याग होता है। घबराइए मत उर्वशी, आपको श्रृंगार करना नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तलवारबाजी का मुकाबला हम ही जीतेंगे। हम आपको बताते हैं, बैठ। ये मुकाबला जीतने के लिए हम एक खास किस्म की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं हम रोज एक आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर 101 दंड बैठक करते हैं। फिर उसी आदमी को अपने पीठ पर बिठाकर 101 सपाट मारते हैं। यहाँ तक कि हम रोज सुबह शाम 101 बादाम, 101 अखरोट और 101 पिस्ते खाते हैं। लेकिन उर्वशी, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? किसी औरत से अगर एक बार कह दो कि
ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए तो समझो वो बात सारी दुनिया को पता चल गई। लेकिन ये बात किसी को मत बताना। पियो बच्चों पियो, जमकर पियो, आज हम बहुत खुश हैं। भाई साहब, हमें पता चला है कि बिरबल बड़ी जोरों शोरों से तलवारबाजी की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब कुछ कीजिए वरना हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बिरबल है ना सुबह शाम 101 बादाम, 101 पिस्ता, 101 अखरोट खा रहे हैं और इतना ही नहीं कसरत भी कर रहे हैं। और ऐसी वैसी कोई कसरत नहीं, एक आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर 101 टन मार रहे हैं और दूसरे आदमी को अपनी पीठ पर बिठाकर 101 सपाट। घबराओ मत बहना, घबराओ मत। अगर बिरबल सुबह शाम कसरत कर रहा है तो हम सुबह दोपहर शाम कसरत करेंगे। अगर वो 101 अखरोट पिस्ता बादाम खा रहा है तो हम 102 अखरोट पिस्ता बादाम खाएंगे। बस मामूजान, अब से हम आपको कसरत करवाएंगे। बड़ा मजा आ रहा है। बस आज की कसरत हो गई, बाकी कल करेंगे। नहीं मामू जान, अभी सपाट मारने बाकी है। चलिए शुरू हो जाइए। अब कैसा लग रहा है मामू जान? ठीक नहीं लग रहा। चलो चलो दास, आ जाओ यहाँ रख दो। अरे ये क्या हो रहा है? ये भाई साहब को क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं ये? आराम कर रहे हैं पिताजी। आराम? ये कोई आराम का वक्त है? अरे ये तो 102 बादाम, 102 पिस्ते और 102 अखरोट वाला दूध पीने का वक्त है। हम नहीं पी पाएंगे, हम नहीं पी पाएंगे। क्या भाई साहब, अगर दूध नहीं पिएंगे तो तलवारबाजी में बिरबल को हराएंगे कैसे आप? बासू सलीम कुछ करो, इन्हें दूध पिलाओ। मुझे पता है कहाँ गया है बेवकूफ। पता नहीं मामूजान, चलो उठाओ। ये देखिए पुपी, ये सीधा पिताजी के मुंह में जाएगा, दूध इसमें जाएगा और दूध सीधा पिताजी के पेट में जाएगा। दिमाग ला पिताजी। कैसा लग रहा है? अरे पूपी, ये क्या पिला दिया आपने? मेरा छोटा भाई आने वाला है। अरे जल्दी से केसर और नारियल के लड्डू मंगवाइए। भाई साहब मेरा भाई गोरा गोरा होना चाहिए।